हेलो एवरीवन दिस इज पड़ती थी अभी तो ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम डूब टू प्रो बट यहां मैं एक और चीज़ बता दूं कि जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बिकॉज यार मैं इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा रेगुलर हूँ और यूट्यूब पर आप जाकर देख ही सकते हो कि मैं कितना रेगुलर हूँ ठीक है तो प्लीज़ जाकर फॉलो कर लो यार थोड़ी सी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हो ठीक है तो इंस्टाग्राम पर मेरे को एक्चुअली टेन के फॉर करना है जिससे क्या है मेरा जल्दी से स्वाइप वाला बटन अनलॉक हो जाएगा और उसमें एट दी एंड आपका ही फायदा है शायद आपकी कुछ चीज़ें मैं स्वाइप अप पे लगा दूं ठीक है वैसे तो मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोट करता रहता हूँ काफी सारी चीजें तो जाके एक बार चेकआउट जरूर करना तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जिन्होंने भी अभी तक लाइक बटन पे क्लिक नहीं किया लाइक कर दो बिकॉज यार एटलीस्ट 2000 हज़ार लाइक्स का टारगेट है पहले पता है जब पबजी अनबैन था मेरा 5000 का लाइक्स का टारगेट था और वो लोग भी तुम कंप्लीट करवा देते थे चलो दो हज़ार का तो करवा दो यार अब, अब मतलब इतना भी नहीं करवाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा तो फटाफट से लाइक बटन बन क्लिक कर दो चैनल पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब कर दो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ये है फ्रॉम शॉर्ट्स ठीक है आपने मेरी शॉर्ट्स देखी होगी तो उसमें मैंने ये वीडियो अपलोड की थी इसमें क्या है बेसिकली यहाँ पे मेरे सामने एक बग्गी वाला आता है ठीक है मैं तुमको दिखाता हूँ अभी वो कहाँ से आएगा वेट ए मिनट यहाँ पे मैं किस बंदे पे इसको ओपन कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे देखो अभी एक बग्गी वाला आएगा ठीक है ये आ गया बग्गी और मैं इसके सामने नूब की तरह बैठ गया ठीक है मेरे को बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपने बेसिकली इस क्लिप में किया गया है तो मैं वो बताता हूँ कि ये देखो बग्गी आई और चुपचाप चुप चली गई डेफिनेटली इसने मुझे देखा होगा तो मैं चुपचाप ऐसे बैठा था नूब की तरह ठीक है ताकि वो वापस आए और मैं क्या करूं तुम लोगों ने शॉर्ट्स में नहीं देखा तो यहाँ पे देख लेना कि मैंने क्या किया वो वापस आई जब वैसे तो पंद्रह हज़ार लोगों ने देखी शॉर्ट बट स्टिल जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं समझा देता हूँ कि देखो बग्गी वाला आया मैं अभी भी नूब की तरह बैठा हूँ ताकि ये मुझ पर चढ़ाने की कोशिश करे अगर मैं इधर उधर मूव करूँगा तो ये डेफिनेटली सीधा नहीं लेके आएगा ये मुझे मार सकता तो मैं चुपचाप बैठा रहा मुझे पता था इसको पास में आने के बाद मैं इसे उड़ा दूंगा ये देखो इस बग्गी वाले को एंड तक लगा था कि ये मुझे मार देगा बट इसकी गलत फहमी गलत बंगे, बंदे से पंगा ले लिया इसने इसको मैंने कंफर्म कर दिया चलो भाई फिनिश तो ये बग्गी वाला सीन था ठीक है बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये बग्गी वाला सीन का क्या है क्या बताना क्या चाहते हो अब इसमें ठीक है क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आई तो यहाँ पे के बाद मैंने इस बंदे को भी नॉक दे दिया देने की गाली से करना मैं वापस पीछे से चलाता हूँ ठीक है यहाँ पे क्या होता है मैं तुमको एक बेट की ट्रिक बताता हूँ देखो जैसे तुमने पहले एक बंदे पे फायर किया और जैसे तुम फायर रोकते हो उसको लगता है कि शायद अभी रोक रहा है या फिर अभी छुप रहा है तो दोबारा पीक जरूर देता है ये बात मैंने बहुत पहले भी वीडियो में बताई थी बट स्टिल तुम लोग क्या है शायद उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते उस चीज को ट्राई नहीं करते हो मैं हर बार ट्राई करता हूँ नई नई चीजें ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या हुआ मैंने उस पर फायर किया उसको लगा शायद अब मैंने फायर रोक दिया बट नहीं मैं दोबारा प्रीफायर जरूर करता हूँ हर बार देखो बहुत इजी था भाई बहुत इजी था तो मैं एक बार स्लो मोशन भी खाता हूँ पहले मैंने इसे फायर किया अब मैंने रोक दिया बहुत जल्दी क्योंकि मुझे पता था भाई ये कवर से बाहर आएगा नहीं और उसके बाद मैंने तुरंत प्री फायर करना चालू कर दिया बिकॉज एक तो प्री फायर जब ही करना जो जब तुम्हारे पास दूसरी गन हो पता चले एक हाथ में तुम्हारे स्नाइपर है एक हाथ में तुमने प्री फायर कर करके जीरो एम ओ कर दिया उसके बाद कोई कवर भी नहीं यहाँ पे छुपने के लिए देख सकते हो ओपन है भाई तो उसके बाद तुम्हारा क्रियाक्रम होने वाला है ठीक है तो इसलिए प्री फायर जब ही करना दूसरा दूस यही मैं चीज़ दोबारा बताता हूं तुम्हें एक बार तुम फायर रोक देते हो तो, तो सामने वाले को लगता है कि शायद अभी नहीं करेगा अब उसका टाइम है फायर करने का तो ये क्या एक गेम चलने लग जाता है पहले तुमने फायर किया फिर उसने फायर किया फिर तुमने फायर किया फिर उसने उसने फायर किया दोनों कवर में होते हो दोनों अपनी एमो खराब करते रहते हो बट ऐसा मत करना ठीक है तो अब क्या करना है दोबारा से मैं वही चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो सामने बंदा है मैंने पहले लेफ्ट में से फायर किया तो दोबारा मैंने राइट में से उससे फायर किया वो पूरा ओपन में आ गया था अगर तुमने अच्छे से देखा हो तो भाई उस वो पूरा ओपन में आ गया था ठीक है मैं तुमको दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पे

मेरे को लगा कि वो ऊपर आ रहा है बट वो सीढ़ियों में रुक जाता है भाई मेरी एचपी देखो नीचे मेरी एचपी देखो भाई लगभग एक एचपी दो एच पी आप बोल सकते हो दस एच पी तो नहीं है पांच एचपी कितनी भी मर्जी बोल ठीक है यहाँ पे क्या सीन होता है अब मैं तुमको बता दू एक मतलब एक ज्ञान की बात ठीक है आज इस वीडियो में हम ज्ञान की बातें करेंगे भाई पीछे 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 यहाँ पे देखो अब तुम समझ रहे हो यहाँ पे क्या होने वाला है पहले पूरा देख लो फिर बताओ अच्छा। क्योंकि मेरे को मैं किया, अब एक सिंपल से कि मैं पता नहीं था बंदा है अब सीन ये हुआ कि यहाँ पे क्या होता है अब सामने बंदे को मैंने एक गोली भी नहीं मारी शायद एक गोली मारी उससे कितना डैमेज हुआ बट उसने मेरे को बहुत गोलियां मारी उसके मन में क्या था कि भाई मैंने इसे बहुत डैमेज बाहर नहीं निकलेगा बट कोई भी तुम्हें ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि तुम ऐसी कंडीशन में बाहर निकल के मारोगे ठीक है तो इसलिए वो जब आ रहा था तो मैंने बाहर निकल के उसकी तरफ उसे मारने के लिए गया मैं ताकि वो उसको क्या लग रहा था कि मैं अंदर हूं तो उसने उस टाइम अपने फायर बटन पर भी इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया होगा या कुछ नहीं किया होगा तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी मार दिया मेरे पास ऊजी भी थी ठीक है तो इसलिए मैंने फुल कॉन्फिडेंस से पहले उसकी तरफ भागा ताकि मैं उसे मार सकूं देखो ठीक है तो ये एक साइकोलॉजी होती है कि यार सामने लोग लगेगा कि ऑब्वियसली यार कि जब बंदा अंदर टी भी ले रहा है उसको मैंने लो किया तो वो बैठा हुआ मिलेगा तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से ही जा रहा था बट मैं खुद उसके सामने आके उसे मार दिया इसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है तो तुम लोग भी ट्राई करके देखो ठीक है वैसे भी यहाँ पे मैं मरता नहीं भी ट्राई करता तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लेता हूँ और मेरा टीमेट बोल रहा था हरमन की पीछे आता हूँ पीछे तो आ नहीं सकता था यहाँ पे देखो एक सिंपल चीज़ बता दो यहां पे बेसिकली दो बंदे मैंने गिराए क्योंकि हरमन ने भी उनको थोड़ा लो किया था और मेरे पास ऑग भी थी तो ऑग से कार स्प्रे देना ईजी होता है मैंने यहाँ पे हील किया हील करने के बाद मैंने एक बंदा और स्पॉट कर लिया इसे मैंने यहाँ पे बहुत नॉक दे दिया अब पचास लास्ट बंदा ठीक है अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई हरमन को फिनिश कर देता है क्योंकि हम दोनों को उसकी लोकेशन पता नहीं होती है स्मोक में से हरमन को नॉक फिनिश डाल देता है यहाँ पे देखो ये कार के लेफ्ट में से मार रहा है ठीक है मेरे को एंगल नहीं है बट हरमन राइट में था इसलिए उस उसपे पूरा एंगल था उसका ठीक है अब इसको फिनिश भी कर दिया अब मेरे दिमाग में आया कि भाई अब सबसे पहले टाइम है नेड करने का नेड़ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आगे और भी नेड्स मिलेंगे तुम्हें देखने को और मेरे अगर तुमने मोटाजेस देखे होंगे उसमें भाई मेरे भर भर के नेड है ठीक है हरमन ने लिखा है कैंपर साला ठीक है तो जी ठीक है भाई कैंपर होगा यहाँ पे नेड किया सीधा भाई नेड पे भाग के आ गया और वो फिनिश हो गया तो मैं और भी एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा यहाँ पे ठीक है अब ये है एक वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पे मेरे साथ क्या होता है मैं मैं मर जाता हूं हालांकि एक बंदा फिनिश करके बट तुम लोग क्या कर सकते थे मैम हम उस पर बात करेंगे ठीक है यहाँ पे सबसे पहले तो मैं गाड़ी से दूर जाके लेटता हूँ क्योंकि गाड़ी से दूर भागता अगर मैं बिना लेटे तो शायद कोई ना कोई गोली ऊपर से लग जाती तो लेटने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया वो छोड़ना ठीक है मैंने तो कुछ गड़बड़ कर दी बाद में जब मैं क्लिप देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं शायद ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए तो और अगली बार मैं उसे ट्राई जरूर करूँगा तो यहाँ पे फिलहाल मैं सबसे पहले हील करता हूँ जो कि सबसे पहले आपको भी करना चाहिए हील करने के बाद आपको क्या करना चाहिए नेड फेंकने चाहिए ठीक है रैंडम नेड्स क्योंकि तो एक तो एक भी बंदे की लोकेशन ही पता फुल फॉग वाला मैच है अगर तुम लोग रैंडम नेट नहीं फेंकते हो अगर तुम लोग सोचते हो कि यहाँ पे बंदा होगा तो भाई तब तो, तो कोई ही नहीं है कि लगेगा नहीं लगेगा दूसरा तुम्हें तो मैं नेट कुक नहीं करना है जो कि मैंने पे कुक किया कुक करके मैंने अपना टाइम वेस्ट किया आगे कि देखो क्या होता है वो लोग तो भाई सब कुछ कर रहे हैं देखो मैं यहाँ पे नेड कर रहा हूँ दिस पहले हाँ पहले इस बंदे को पे फिनिश करता की फाइट मैंने निकाल ली अब मैं पहले सोचता हूँ हील करूँ फिर मैं सोचा नहीं यार नेड करता हूँ एक आधा नॉन वॉक हो जाएगा अब नेड़ को कुक कर रहा हूँ ये सबसे बड़ी गलती थी भाई अभी तक मैं नेड़ को कब कप फेंक के हील कर सकता था और एक नेड़ मेरे पास आ गया तो यहाँ पे देखो नेड़ कहाँ पर फटा अच्छा उस बंदे के पीछे फटा नेड़ तो अगर मैं यार कुक नहीं करता दो तीन नेट डाल देता मेरे पास तीन नेड़ थे अगर मैं दो तीन नेट डाल देता तो यार डेफिनेटली तुम बताओ कि एक बंदा तो नॉक होता ना क्योंकि यार आसपास पास नेट डलते डैमेज तो होता बंदा नॉक तो होता तो तुम लोग भी ये करना ऐसी कंडीशन फंस जाओ जब यहाँ पे अगर ये लोग मुझ पर वन ई फाइट लेते तो शायद मैं और बंदे निपटा सकता था बिकॉज मेरे पास ग्रोजा थी बट देखो ये लोग थे भी पीछे ये लोग आगे भी नहीं आ रहे थे इन्होंने मुझे नेट से खत्म कर दिया मैं भी शायद नेट कर सकता था यार ज़्यादा बट मैंने नहीं किया चलो कोई बात नहीं अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट सिचुएशन uh, मेरे टीममेट ने मेरे को मार्क करके दिया कि यहाँ पे बंदा है ठीक है मैंने धीरे से आगे गया मैंने वहाँ पे जाके स्पॉट किया स्पॉट करने के कर, बाद तो मैंने नॉक कर दिया ठीक है वो लोग पूरा देख के बैठे थे नॉक करने के बाद मैं क्या करता हूँ कंटेनर के अंदर से नहीं जाता क्योंकि भाई कहीं पर भी टी पी ले रखा होता है ठीक है ऐसी कंडीशन में मैं जाता हूँ ऊपर से क्योंकि ऊपर से मुझे स्पॉट करना थोड़ा सा ईजी है बट ये भैया सामने ही मतलब बैठे एम लेके मतलब क्यों चलो ठीक है उसके बाद देखो मैं कैसे बचता हूँ मैंने आपने देखा होगा मैंने एक सेकंड के लिए स्कोप इन किया था मुझे लगा कि इसका ध्यान मुझ पर नहीं है बट जैसे मुझे पता लगे मुझे एम लेके बैठा है मुझ पर तो मैंने फटार से स्कोप आउट किया जिगल देना चालू किया देखो दोबारा क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा दिखा रहा हूँ परेशान मत होना ठीक है ये चीज़ करनी जरूरी है मतलब तुम कितना क्विक डिसीजन लेते हो वो तुम पे डिपेंड है बट मैं बता रहा हूँ मैंने कितना यह देखा मैंने आप पे क्राउच भी किया स्कोप आउट भी किया सब किया मेरी हेल्थ लो गई इसका जो लास्ट बंदा था वो आ रहा था मैंने फटाफट से हील किया और ये भाई मुझे बहुत भगाता है ये बहुत भगाता है तो बेसिकली टिप तो मैंने तुम्हें बता दी कि मैंने क्या कैसे मेडिसिन लिया और हाँ मैं हाइट का एडवाटेज लेके चलता हूँ ज़्यादातर इसलिए मैं हर बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ ठीक है कंटेनर्स पे या इन चीज़ों पे नीचे अगर अंदर से जाओगे तो फिर यार वो पता नहीं किधर क्या है ये बेचारा भागने की पूरी कोशिश कर रहा था इसे मैंने आवे मार दिया सॉरी ब्रो यहाँ पे सीन क्या होता है देखो आगे मेरी एक गोली उसे उसे हेड लग जाती है हर मन ने उसे बहुत लो किया था तो मेरी एक गोली लग जाती है, तो रह चुके है। अभी तो काफी टाइम से बंद कर रखा है बट स्टिल हाँ इंग्लिश छोड़ो यार नीचे मेरे पास चार नेड है ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली मेरे पास सेवन स्मोक्स होते हैं फोर नेड्स होते हैं फोर टू फाइव और फोर नेट्स होते हैं एक मॉली होती है मॉली बहुत जरूरी है आजकल उसका रेडियस बहुत ज्यादा है तो उस चीज़ का ध्यान रखना रख के रखो हमेशा अपने पास ठीक है मॉली बहुत जरूरी है नेट से भी ज़्यादा जरूरी है मॉली तुम चाहो तो दो नेट कर तो, दो दो मॉली कर दो इट्स ऑन इट्स अपॉन यू ठीक है उसके बाद मैं सोचता हूँ नेट घर बट बेचारे सामने ही दिख जाते हैं तो इनको मैं बड़े आराम से मार देता हूँ ठीक है मेरे कोई दिक्कत नहीं होती उसके बाद देखो सेम चीज चीज़ यहाँ पे कि अगर मुझे बंदा दिखता नहीं है ना तो मैं नेट करता हूँ हर बार तो मेरे पास ग्रेनेड्स हैं चार वापस से ठीक है ये सेम मैच है उसके बाद देखो क्या होता है एक नेड करूँगा क्या होगा देखना कितना फायदा होता है यार एक रैंडम नेड से बंदा दिख भी नहीं रहा है बट कर दिया नेड पहले तो मैं इस पर गोली मारूंगा देखो नेड से एक फिनिश हो गया क्योंकि सामने वाले बंदे का एक नॉक पड़ा था किल फिट में देखो एक फिनिश हो गया ठीक है नीचे यू नॉकआउट एन ओ नॉक जो भी है विद फ्रैक ग्रेनेड एक नॉक हो गया एक फिनिश हो गया और एक को मैं नॉक कर दूंगा अपनी एम फोर से एट दिस ठीक है एक को मैंने अपनी से किया और नीचे देखो क्या लिखा तीन किल गया, गया। सिंपल नेड से क्या कुछ नहीं हो सकता है भाई तुम लोग करो भाई भर भर के जितने ना अपने अपनी जो तुम्हारी क्या बोलते हो तुम्हारी जो ऑटो पिकअप की वो है ना टैब उसको एकदम एडजस्ट करो और तुमसे नहीं और एडजस्ट तो मेरे को बोलो मैं वीडियो लेके आऊँगा तुम्हारे लिए तो चलो ठीक है नीचे कमेंट करके बताओ कि ऑटो पिकअप वाली चीज़ भी तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए मेरी कैसी और तुम्हारी कैसी रखनी चाहिए तो इज़ फॉर दिस वीडियो मैं मिलता हूँ तुमसे एक अगली वीडियो में तिल दिन बब टेक केयर एम साइनिंग आउट